अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ बॉक्स प्लॉट एनालिसिस। द डेफिनेशन इज़ के जो बॉक्स प्लॉट एनालिसिस यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द डिस्पर्जन ऑफ डाटा, यानी कि डेटा आपके पास एक डेटा है वो कैसे डिस्पर्स्ड है ओवर सर्टन रेंजेस। स्प्रेड ऑफ डेटा हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें फाइव इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम फाइव नंबर समरी कहते हैं। इनमें आपने एक मिनिमम और मैक्सिमम डेटा का लेना होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल जो है ये आप लोगों ने कैलकुलेट करने होते हैं। अब इसको अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो इट इज़ लाइक कि आपके पास ये डेटा है, दिस इज़ द वेव ऑफ डेटा। ये हमारा डेटा होता है हाफ, यानी कि ये इसका मीडियन होता है। मीडियन मींस दिस इज़ द क्यू टू और इस पे डेटा आपका 50% होता है, यानी कि हाफ इधर होता है और आपका हाफ उधर होता है। फिर हम यहाँ पे भी डेटा को डिवाइड करते हैं, दिस इज़ द 25% ऑफ योर डेटा। इसको हम लोग जो है वो क्यू वन कहते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वार्टाइल जिसमें 25% डेटा होता है। दिस इज़ आवर सेकेंड क्वार्टाइल जिसको मीडियन भी कहते हैं, इसमें आपका 50% ऑफ डेटा होता है। और एक हम और डिवीजन करते हैं इसमें, दिस इज़ द 75% जिसमें जिसको आप कहते हैं क्यू थ्री। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है वो बॉक्स प्लॉट्स में डिवाइड होता है जिसको हम शो करते हैं। नाउ दिस इज़ द मिनिमम रेंज हमारे पास जो है वो यहाँ पे आती है। दिस इज़ द मिनिमम ऑफ आवर डेटा एंड दिस इज़ द मैक्स ऑफ आवर डेटा। तो ये फाइव नंबर समरी जो है अब इसी तरह से होती है कि मिनिमम क्वार्टाइल वन दिस इज 25%, मीडियन दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड क्वार्टाइल, और क्यू थ्री थर्ड क्वार्टाइल जिसमें आपके पास 75% ऑफ डेटा जो है वो होता है, एंड मैक्स इज़ द फाइनल वन। अब हम एक बॉक्स प्लॉट जो है उसको बना के देख लेते हैं। बॉक्स प्लॉट की जो मेन शेप होती है वो ऐसे होती है कि एक आपके पास बॉक्स नंबर लाइन होती है, उसके ऊपर आपका बॉक्स प्लॉट बना होता है। समवेयर यहाँ पे डॉटेड लाइन में हम मीडियन शो करते हैं और यहाँ पे जो होती है इसकी मिन और मैक्स रेंज जो है वो कंसीडर की जाती है, और इन मिन और मैक्स रेंज के बाहर जो है आपके आउटलायर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। नाउ अब हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी एक देखें तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। उसमें हमारे पास एक डेटा है, दिस इज़ 1, 1, 2, 2, 4, 6, 6.8, 7.2, 8, 8.3, 9, 10, 10 and 11.5। अब हम इसका सबसे पहले जो है वो मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन इज़ क्यू टू और मीडियन जो है इन दो नंबर्स का आप लेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा 6.8 + 7.2 / 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 7। नाउ हम लोग जो है इसका क्यू वन कैलकुलेट करेंगे। क्यू वन इज़ योर फर्स्ट क्वार्टाइल और वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो मीडियन के अलावा आपके पास जो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि बॉक्स प्लॉट के लिए आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो होना चाहिए। दिस इज़ असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्टेड है डेटा। आपने इसका जो है मीडियन लेने के लिए वैसे भी होना चाहिए, मीडियन आपने ले लिया, उसके बाद जो आपकी लेफ्ट साइड पर है आपने इनका जो है लेफ्ट साइड का जो है वो मीन ले लेना है, 2 + 2 / 2, दिस इज़ इक्वल्स टू 2, ये आपके पास क्यू वन आ जाएगा। और क्यू थ्री इसी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू राइट साइड का आप लोगों ने जो है वो मीन कैलकुलेट करने कर लेना है, जो कि होगा हमारे पास नाइन प्लस टेन डिवाइडेड बाय टू, दैट इज़ इक्वल्स टू 9.5। मेन वैल्यू हम लोगों ने इसकी कैलकुलेट करनी है। मिनिमम इज़ दिस वन ऑफ दिस डेटा and max is 11.5 and max is 11.5। ये पांच चीज़ें आपने बॉक्स प्लॉट जो है वो बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए। नाउ वी विल प्लॉट दिस बॉक्स प्लॉट। इसके लिए आपने जो है वो एक नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है जो कि आपके डेटा को ट्रूली रिप्रेजेंट कर ली होगी। इसमें आपने इसको जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन नाइन टेन इलेवन दिस इज समवेयर 11.5 हमने देखना है और ये एग्जैक्टली 11 इस तरह से हमारा डेटा लाइन जो है वो हमारी होगी। अब हम लोगों ने इसके ऊपर अपना जो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं ये हमने इस पे प्लॉट करनी है। जो बॉक्स बनता है वो आपके डेटा की रेंज को जो है वो स्पेसिफाई करता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा जो बॉक्स बनेगा वो बनेगा हमारा Q1, Q2 और Q3 से। Q1 आपने 2 है, हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। नाउ दिस इज द Q1, हम Q1 यहाँ पे करेंगे। Q3 हम 9.5 पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है Q2 जो कि हमारा मीडियन होता है 7, उसको हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे। ओके, और उसके बाद हम मिन एंड मैक्स जो है वो प्लॉट करेंगे। दिस इज़ आवर मिन, मिन को हम ऐसे हम शो करेंगे एंड मैक्स इज़ 11.5 यहाँ पे शो करेंगे एक हमारी वैल्यू जो है, और ये हम शो करेंगे कि दिस इज़ द मिनिमम ऑफ आवर डाटा। दिस इज़ हम मिन शो कर दिया एंड दिस इज़ मैक्स। दिस इज Q1, Q2 इज इक्वल्स टू मीडियन एंड दिस इज Q3 ऑफ आवर डेटा। अब आप अगर देखें तो ये हमारा डेटा को स्प्रेड को शो कर रहा है, यानी कि डेटा जो है आपका कैसे स्प्रेड है, उसका मीन कहाँ पे आ रहा है, ओवरऑल वो कैसे जो है वो आ रहा है आपके पास डेटा। अब इसमें जो है आपका एक कॉन्सेप्ट है IQR का, IQR दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमने जब आउटलायर्स को डिटेक्ट करना होता है आउटलायर्स को, तो हम बॉक्स प्लॉट पे जब डिटेक्ट करना होता है तो हम IQR जो है वो कैलकुलेट करते हैं। IQR इज बेसिकली Q3 यानी कि क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, दैट इज 9.5 हमारे पास है Q3, तो 9.5 माइनस 2 U1 इज 2, सो यू विल गेट 7.5। तो अब हमने IQR, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है IQR मल्टीप्लाई बाय 1.5। फॉर कैलकुलेटिंग IQR हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। IQR हमारे पास है 7.5 इंटू 1.5, दिस इज़ इक्वल्स टू 11.25। इट मीन्स कि 11.25 से जो वैल्यू एक्सीड करेगी दैट विल बी आर आउटलायर। The IQR is 11.25, which means के 11.25 यानी कि यहाँ तक जो वैल्यू होंगी, इसके बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी वो हमारी आउटलायर्स कंसिडर होंगी, और ये प्लस माइनस में होता है, यानी कि पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी जो 11.5 से लेस होंगी दैट वुड बी द आउटलायर वैल्यूज़। सो दिस वॉज द होल बॉक्स प्लॉट कॉन्सेप्ट। इसमें हमें जो मेन चीज़ देखनी है कि स्प्रेड ऑफ डेटा या स्प्रेड डिस्पर्जन ऑफ डेटा जो है वो हमें पता चलता है। दिस वॉज द होल बॉक्स प्लॉट कॉन्सेप्ट। इसमें जो हम लोगों को मेन चीज़ पता चलती है वो स्प्रेड ऑफ डेटा या डिस्पर्जन ऑफ डेटा जो है वो पता चलता है, लेकिन हमें इसमें ये नहीं पता चलता कि वेयर द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा इज़, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस साइड पर आ रही है। तो उसके लिए फिर हम कुछ और यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हिस्टोग्राम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा के कहाँ पर कितना है उसका। तो ये था बॉक्स प्लॉट का। आई होप आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।